हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को अजवाइन, काला नमक और हींग एक साथ खाने के फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। अजवाइन, काला नमक और हींग के कई औषधीय गुण हैं। अजवाइन में थाइमोल नामक यौगिक पाया जाता है जो किसी भी तरह की अपच की समस्या में आराम दिलाता है। हींग का सेवन करने से पेट फूलने की समस्या में भी राहत मिलता है। इसमें एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। हींग का सेवन करने से तनाव भी कम होता है। इसी प्रकार काला नमक से पाचन संबंधित विकार भी दूर होते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की पेट से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं अजवाइन, काला नमक और हींग एक साथ खाने से होने वाले फायदों के बारे में। अजवाइन, काला नमक और हींग के सेवन से आपको गैस की समस्या में काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जिससे जल्दी आराम मिलता है और सीने में जलन भी कम होती है। अगर आपका खाना आसानी से नहीं पचता है तो आप सुबह एक चम्मच अजवाइन, काला नमक और हींग का मिश्रण ले सकते हैं। इससे खाना आसानी से पच जाता है, साथ ही वजन घटाने में भी सहायक होता है। अजवाइन, काला नमक और हींग के सेवन से अपच या एसिडिटी से भी छुटकारा मिलता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे शरीर में अतिरिक्त फैट जमा नहीं होता है। इससे पीरियड दर्द में भी राहत मिलती है। खाली पेट इस मिश्रण के सेवन से सेहत ठीक रहती है। सर्दी, जुखाम और गले की खराश को दूर करने के लिए अजवाइन, काला नमक और हींग का कॉम्बिनेशन बेहद फायदेमंद होता है। गुनगुने पानी में इस मिश्रण को मिलाकर पीने से जल्दी आराम मिलता है। अगर आपका बीपी बराबर लो रहता है तब भी इस मिश्रण का सेवन आप कर सकते हैं। इस मिश्रण के 4 ग्राम का सेवन आप गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह शाम कर सकते हैं। इससे लो ब्लड प्रेशर में आराम मिलता है। पेट दर्द में ये तीनों ही चीज़ें कारगर तरीके से काम आती हैं। दरअसल ये तीनों एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती हैं, जो पेट दर्द से आराम दिलाते हैं। ये आपके पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ावा देते हैं, जिससे पेट में हो रहे दर्द और सूजन में काफ़ी कमी आती है। इसलिए अजवाइन, काला नमक और हींग का सेवन करें और इन तमाम समस्याओं से छुटकारा पाएं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।